नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। प्रेम के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। कुछ अपने प्रेम का इजहार करते हैं तो कुछ अपने प्रेम को मन में दबाए रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने प्रेम को भगवान की तरह पूजते हैं। अपनी पत्नी की मौत के बाद शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल बनवाया, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा प्यार देखने को मिला जहां पति ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल तो नहीं पर अपनी पत्नी का मंदिर जरूर बनवाया है। ये अनोखी प्रेम कहानी है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर सांपखेड़ा गांव में रहने वाले नारायण सिंह की। गांव हो या शहर, हर जगह आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन शाजापुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने बेटों के साथ मिलकर उसका मंदिर ही बना दिया। रिश्तों को भगवान का दर्जा देने वाले यह अनोखी प्रेम कहानी शाजापुर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर सांपखेड़ा गांव में रहने वाले नारायण सिंह की है। नारायण सिंह की पत्नी गीताबाई का निधन कोरोना के चलते हो गया था। धार्मिक प्रवृत्ति के नारायण सिंह का अपनी पत्नी से बेहद लगाव था। बेटे भी अपनी माँ की मौत के बाद टूट से गए थे। ऐसे में नारायण सिंह ने बेटों के साथ अपनी पत्नी की स्मृति में घर के बाहर एक मंदिर बनाने का सोचा। आखिरकार परिजनों की इच्छा पर मंदिर बनवाने की सोच को मूर्त रूप दिया गया। पत्नी की मौत के तीसरे ही दिन इनके बेटों ने अलवर राजस्थान में गीताबाई की मूर्ति बनवाने का ऑर्डर दिया, और 1.5 महीने बाद 3 फीट बड़ी यह सुंदर प्रतिमा बनकर आ गई। परिजनों ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनाकर पूरे विधि विधान के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अब हर रोज सुबह शाम नारायण सिंह और उनके बेटे नियमित पूजा अर्चना करते हैं। बेटे भी चाहते हैं कि माँ भले ही इस दुनिया से चली गई हो, लेकिन इस प्रतिमा के तौर पर वह सदैव उनके साथ रहे। नारायण सिंह भी अपनी पत्नी को देवी स्वरूप मानते हैं और उनके आचरण और संयमित जीवन शैली की तारीफ करते नहीं थकते।